हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा सक्सेना। आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन रेसिपीज। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टिंग टिंग वाले बेल बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी बंगाली गुया या बड़ी गुया। ये मैं आपको सिखाऊंगी पार्टी और रेस्टोरेंट स्टाइल कि किस तरीके से बनती है। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखने में जितनी यमी है, खाने में उतनी ही टेस्टी है और ये फटाफट बन जाती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाली गुया या बड़ी गुया बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक बड़ी गुया, बंगाली गुया। इसको यहाँ बंगाली गुया के नाम से भी जानते हैं। इसका हम ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट कट कर देंगे। ये नीचे का पार्ट हम यहाँ तक कट करेंगे और इसका ऊपर वाला पार्ट को कट कर देंगे और इसके पीसेस करके बॉइल्ड करेंगे, क्योंकि इसका ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट खाने के लिए टेस्टी नहीं लगता है और अच्छे से बॉइल्ड होने के बाद गलता भी नहीं है। तो आइए चलिए देखते हैं आगे क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। ओनियन गार्लिक का पेस्ट है विद ब्लैक पेपर्स, 8 से 10 ब्लैक पेपर्स के साथ मैंने ओनियन गार्लिक का पेस्ट बनाया है। ये 2 टेबल स्पून मैंने लिया है, 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 3 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 2 टीस्पून लेमन जूस यानी नींबू का रस, 2 सिनेमन, 2 ब्लैक कार्डिमम, 2 स्नेमन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बंगाली गुया को मैंने पीसेस में कट कर दिया है और आप देख सकते हैं इसको मैंने पील नहीं किया है, छीला नहीं है। और इसके ये जो ऊपर स्टेम वाला पार्ट है, ये देख सकती है, इस पार्ट को हम निकाल देंगे और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है इसको भी हम निकाल देंगे। ये अच्छे से गलता नहीं है, सॉफ्ट नहीं होता, इसलिए खाने में टेस्टी नहीं लगता है। अब हम इसको बिना छीले इसी तरीके के पीसेस में बॉइल्ड करेंगे। ये देखिए मैंने इसको कुकर में ट्रांसफर कर दिया है। इसको हम किसी भी मसाले के साथ बॉइल नहीं करेंगे, ना ही हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, बस इसको हम 2 कप ऑफ वाटर के साथ इसको 4 सीटी लेंगे प्रेशर कुकर में। ये देखिए यहाँ मैंने कुकर की लिड को बंद कर दिया है। अब हम इसमें 4 सीटी आने देंगे। बिना छीले इसको बॉइल करने से पहले हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। अगर हम इसे बिना छीले बॉइल करते हैं तो उससे जिनको एलर्जी होती है गुड़िया छीलने से, जिनको इचिंग होने लगती है, वो इसको आसानी से बना सकते हैं। अगर हम इसको छील कर बनाते और जिन लोगों को गुड़िया से एलर्जी होती है उनके इचिंग होने लगती है, तो वो इसको आसानी से नहीं बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कुकर की गैस निकल चुकी है। अब हम कुकर की लिड को ओपन करके देखेंगे कि गुड़िया ठीक से बॉइल्ड हुई है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़िया बहुत अच्छे से बॉइल्ड हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, अब एक हम
टोंग की हेल्प से इसको प्लेट में निकालकर छील लेंगे और छोटे पीसेस में काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने बंगाली घुया को छील कर और पीसेस में काट लिया है। ये अच्छे से बॉइल्ड हो गई हैं और सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ हमने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया था, उसको हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा ऑयल हम बचा लेंगे। हमने 1 टेबल स्पून में से 1 टीस्पून ऑयल बचा लिया है और बाकी का ऑयल हमने कढ़ाई में डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सिनेमन स्टिक जो 2 ली थी वो ऐड करेंगे, ब्लैक कार्डिमम, थोड़ा सा सॉटे करेंगे। ओनियन गार्लिक का पेस्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ा चलाते हुए भूनेंगे। जैसे ही ओनियन गार्लिक के पेस्ट का एक्सेस वाटर बर्न हो जाएगा, ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा, इसमें मसाले ऐड करेंगे। ओनियन गार्लिक के पेस्ट को पहले भून लेने से एक अच्छा टेस्ट जो है वो ऐड हो जाता है, अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। ये देखिए, ये लाइट ब्राउन कलर का होने लगा, इसमें ये एक्सेस वाटर इसका जल गया है और ये भून के तैयार हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले सॉल्ट ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1 टीस्पून सॉल्ट दिया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 3 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर लिया था, उसको ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। अब हम इन सबको अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। इसमें अभी पानी ऐड नहीं करेंगे, बिना पानी ऐड करिए हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, यहाँ हमने बिना पानी ऐड करे मसाले को अच्छे से भून दिया है। मसाले ने कढ़ाई छोड़ दी है, इसका मतलब मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। मसाले को अच्छे से चलाएंगे और मसाले का एक क्रीमी पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए, सारे स्पाइसेस का एक अच्छा पेस्ट तैयार हो गया है। इस समय हमने जो लेमन जूस लिया था उसको ऐड करेंगे। ये सब्जी को एक अच्छा टैंगी टेस्ट देगा। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो भी ये टेस्टी बनेगा, लेकिन अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें अच्छा फ्लेवर देगा, अच्छा टेस्ट देगा। मसाले को चलाएंगे। अब हम मसाले में बंगाली घुया ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे, मसाला इस पे अच्छे से कोट हो जाए।
ये देखें, अब हम घुइया में थोड़ा सा मिक्स टेक्सचर लाने के लिए, जिससे पीसेस एक दूसरे में अच्छे से मिक्स दिखाई दें और देखने में ये अच्छी लगे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से पुश करते हुए एक दूसरे में मिक्स करते हुए चलाएंगे। ये देखिए, मसाला घुइया पे अच्छे से कोट हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून पानी और ऐड करेंगे। याद रखिएगा, सिर्फ 1 टेबल स्पून ही पानी ऐड करना है। ये देखिए, अब हम गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे। और कढ़ाई की लिड को बंद करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही 2 मिनट होते हैं, हम गैस की फ्लेम को लो पे ही रहने देंगे और कढ़ाई की लिड को ओपन करके देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम कढ़ाई की लिड को ओपन करके देखेंगे। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, और देखने में ये बहुत ही यमी लग रही है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। अभी इसमें फाइनल टच देना बाकी है, जिससे ये खाने में और भी यमी और टेस्टी लगेगी। ये देखिए, जो हमने मसाले डाले थे वो उसको 2 मिनट बंद करने से अच्छे से पक चुके हैं। घुइया भी अच्छे से गल चुकी है, देखने में भी बहुत यमी और टेस्टी लग रही है। अब हम इसको रेस्टोरेंट स्टाइल टच देने के लिए जो हमने 1 टीस्पून ऑयल बचाया था उसको इसमें ऐड करेंगे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके का घुइया बनाएं और रेस्टोरेंट स्टाइल टच देने के लिए जब ऑयल बचाएं, तो उसमें सरसों तेल का यूज ना करें, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत हाई होता है। और किसी भी ऐसे तेल का यूज ना करें जिसका फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रांग हो और खाने में अच्छा ना लगे। तो कोशिश करिएगा कि आप रिफाइंड ऑयल का यूज करें। हम इसको हाई फ्लेम पे भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको हाई फ्लेम पे ऑयल डालकर भूनने से आपको कहीं कहीं ये ब्राउन और कहीं येलो दिखाई दे रही होगी। जो ये ब्राउन ब्राउन आपको दिखाई दे रही है, ये एक क्रंच क्रिस्पी टेस्ट ऐड करेगी, इसमें एक क्रंच ऐड करेगी जो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। बंगाली घुइया को भूनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से क्रिस्प और सॉफ्ट दिखाई दे रही है। ये देखिए, आपको कहीं कहीं क्रिस्पी लुक दिखाई भी दे रहा होगा, लाइट ब्राउन कलर का। ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो चुकी है और घुइया तो सॉफ्ट हो ही गई थी जब हम लोगों ने बॉइल किया था। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। ये देखिए, गर्मा गर्म रेस्टोरेंट पार्टी स्टाइल बंगाली घुइया इज रेडी। इस डिश को आप अपने घर पर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कैसी बनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।